Hey guys, it's me DeepLife back again with another video. तो दोस्तों रिसेंटली मैंने एक चीज परचेज की, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने परचेज किया सिर्फ 26 रुपीज में एक हार्डवेयर स्टोर से, और इससे एक चीज कर सकते हो आप, लकड़ी काट सकते हो, वुड की चीजें काट सकते हो और वुड के DIYs बना सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टूल है। और दोस्तों मैं एक्वामैन मूवी देख रहा था, तो मैंने एक्वामैन से देखा जेसन ममोआ, और उनकी स्टाइल काफी ज्यादा सेक्सी है। मैंने देखा कि वो हमेशा एक पेंडेंट पहनते हैं, पेंडेंट पे क्रिस्टल होता है। पेंडेंट पहनने से आप काफी ज्यादा सेक्सी लगते हो। हम लोग लड़के एक्सेसरीज के बारे में इतना ज्यादा सोचते नहीं है, पर एक्सेसरीज आपके एक बेसिक आउटफिट को भी काफी ज्यादा ऊपर लेके छोड़ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे DIY। मैं सोच रहा हूँ कोई तो एक सेक्सी सा पेंडेंट बनाऊं, परचेज करने जा सकता हूँ। ऑब्वियसली परचेज करने में वो मजा नहीं है, तो मेरे पास एक लकड़े का पीस है, आप देख सकते हैं, एक प्लाईवुड का घटिया सा टुकड़ा है। इसको काट के हम लोग कुछ ब्यूटीफुल बनाते हैं। इट विल ऑल्सो बी लाइक अ चैलेंज, मतलब आप देख सकते हो इट इज ऑलमोस्ट लाइक स्क्रैप वुड, आपको किधर भी ऐसी लकड़ी पड़ी हुई मिल जाएगी। तो सोच रहा था मैं यार क्या बनाऊं, तो पेंडेंट की जब बात आती है तो पेंडेंट में हार्ट काफी ज्यादा सेक्सी लगते हैं। एंड जस्ट इमेजिन अ वुडन हार्ट। मैंने ऑनलाइन भी थोड़े वुडन हार्ट के पेंडेंट्स के बारे में देखा, तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, 500 से 1000 रुपए के बीच में। तो जाते हैं अभी मेरी ड्राइंग टेबल पे एंड लेट्स स्टार्ट विद द DIY। तो पहले तो मुझे एक हार्ट बनाना पड़ेगा लकड़ी पे, और बाद में काटना पड़ेगा, तो जाते हैं। तो ये DIY बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक प्लाईवुड का टुकड़ा। आप कोई भी टाइप का वुड इस्तेमाल कर सकते हो, और मैंने देखा कि प्लाईवुड काफी आसानी से कट हुआ। प्लाईवुड को पहले आप अच्छे से मार्क कर लेना। मार्क करने के लिए मैंने यूज़ किया एक ग्लिटर पेन, क्योंकि उसकी मार्किंग अच्छे से आ रही थी ऑब्वियसली। तो कटिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली थी। मेरी उंगलियां तो अभी वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो अभी भी दर्द कर रही है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सारी चीज़ें आपके हाथ को आराम से कट कर सकती है, मतलब सोच लेना वुड को काट सकती है, तो आपकी उंगली विंगली कट सकती है। तो दोस्तों अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस DIY, प्लीज़ टेक पेरेंटल सुपरविजन। उनको बोलना कि ज़रा असिस्ट कर दे मुझे इस छोटे से DIY में। तो ये हार्ट का शेप कट करने में ही मुझे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग गया, और ये पूरा DIY मुझे 2 घंटे में मैंने बना दिया। वैसे एक बार ये DIY बन गया तो काफ़ी सालों साल चलेगा। लकड़ी की चीज़ कभी आसानी से ख़राब नहीं होती है। ऑल्सो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन द टाइप ऑफ वुड दैट यू यूज़। दूसरे आप वुड्स यूज़ करोगे तो आपकी फिनिश काफ़ी ज़्यादा और प्रीमियम आ सकती है। तो इस DIY के लिए मैंने 2 सैंड पेपर्स यूज़ किए, काफ़ी ज़्यादा रफ थे। मैं एशियन पेंट्स के शॉप में गया एक्चुअली, और उनको कहा कि मुझे सैंड पेपर चाहिए और मुझे लकड़े पे काम करना है, तो उन्होंने मुझे ये सैंड पेपर हाथ में थमा दिए। आप छोटे ग्रिड का सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके जो लॉकेट को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फिनिश आएगी। अभी मेरे लॉकेट पे एकदम चिकनी फिनिश नहीं आई है, और वैसी फिनिश अगर आपको चाहिए तो आपको और छोटे ग्रिड का सैंड पेपर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली भी आप कह सकते हो, लॉकेट काफ़ी ज़्यादा मोटा बन गया, उसे कट किया और उसके वजह से हमारे पास 2 लॉकेट्स हो गए। और ये जो पूरा कटिंग का प्रोसेस है, आपको काफ़ी ज़्यादा थकने को होगा, तो यू कैन डू इट विद योर फ्रेंड्स। मे बी वो जब भी आपके हाथ दुखना स्टार्ट हो जाएंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मुझे तो लगता है आपका हार्ट मेरे से ज़्यादा बेहतरीन बनेगा। इसकी वजह ये है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खाई कर रहा था DIY बनाने में। पर आप आराम आराम से बना सकते हो, सैंड करके कोने एकदम चिकने कर सकते हो हार्ट के। आप इतनी परफेक्ट फिनिश ला सकते हो वुड को, कैसे लगेगा कि आपने खरीदा है ना कि बनाया। तो ये मेरे ग्रैंडफादर का टूल है। वैसे मेरे ग्रैंडफादर वाज अ गोल्डस्मिथ, तो उनके पास काफ़ी सारे टूल्स थे। तो ये मेरी खुशकिस्मती आप कह सकते हो कि मुझे ये टूल मिल गया, जिससे मैं आसानी से होल कर पाया लॉकेट में, जिसके अंदर से मैं एक धागा डालूंगा फाइनली, एंड बाद में वैसे हम लोग गले में पहनेंगे। तो दोनों होल्स मैंने अच्छे से कर दिए हार्ट पे, एंड अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इन्हें पहनेंगे। पर उसके पहले मैं अप्लाई करूंगा ऑयल वुड को। ऑयल वुड को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको इवन टैन करेगा, तो हमारे वुड को थोड़ा कलर आ जाएगा अच्छा।
और ऑयल की वजह से हमारा वुड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो मैं अच्छे से दोनों साइड ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ऑयल मैंने नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ किया जो आप अपने बालों को लगा सकते हो। तो ये पूरा DIY आपका काफ़ी ज़्यादा सस्तेमय बनेगा, कोई भी चीज़ लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। धागा अंदर डालने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक नीडल, तो मेरे पास एक मोटी नीडल है जो मैंने परचेज़ की थी लेदर के DIYs बनाने के लिए, लेदर सीने के लिए। तो आसानी से हम लोग का धागा चला गया है। तो इसको मैं एक नॉर्मल नॉट बांधूंगा और उसके ऊपर फिर से एक नॉट कर दूंगा ताकि लॉकेट पूरा कम्प्लीटली सिक्योर्ड हो जाए एंड बाद में हम लोग इसे पहन पाए। फाइनली लॉकेट को सिक्योर और ज़्यादा करने के लिए मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंट क्लियर नेल पॉलिश। लाइट में काफ़ी ज़्यादा शिमर हो रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर हम लोग ने लगाया है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश जो कि दीपिका का था, मेरी भाभी का था। तो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश काफ़ी ज़्यादा आर्ट प्रोजेक्ट्स में काम आता है। यू कैन सी बोथ द पेंडेंट्स आर लुकिंग लाइक दिस, दिस पेंडेंट इज थिकर। तो ये पेंडेंट एक्चुअली मैं बनाने वाला था, ये तो हम लोग को और एक फ्री में मिल गया। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर दिस, तो पहन के देखते हैं। मुझ पर कुछ इस तरह दिख रहा है, यू कैन सी। कमेंट करके बताना आपको ये कैसे लग रहा है। एक्चुअली हमारे आउटफिट के साथ काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। मैं जस्ट आपको थोड़ा पास में लेके बताता हूँ कि कैसे बना है। सो दिस इज हाउ इट विल एक्चुअली लुक। वैसे तो आई एम एन आर्टिस्ट, आई ऑल्सो पेंट, आई मेक अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क्स, तो आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ कलर्स, बट अभी मैंने इसको प्लेन रखा। तो इस पर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई करके बाद में नेल पॉलिश का क्लियर कोट लगा दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज हो जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ऑल्सो दोस्तों इट वॉज क्वाइट अमेजिंग कि हम लोग ने कितनी एक ऑलमोस्ट वेस्ट चीज से एक ब्यूटीफुल पेंडेंट बना पाए। अगर आप ये DIY ट्राई करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके बताना कि DeepLife मैंने ये DIY ट्राई किया एंड दिस इज द फोटो। तो दोस्तों वैसे तो मैं काफी दिनों से पेंटिंग के वीडियोस डाल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा क्योंकि दैट इज माई पैशन, दैट इज समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव टू डू। सो वेल गाइज, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो मैं हूँ DeepLife, आई मेक आर्ट रिलेटेड कंटेंट, आई मेक DIY रिलेटेड कंटेंट एंड आई मेक व्लॉग्स। तो जाके मेरा चैनल देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। वेल गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।